तो मैं हूँ अभी पंजाब के राजपुरा में और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है शंभू बॉर्डर, यानी कि पंजाब हरियाणा का बॉर्डर, जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं जिस वजह से ये रोड आगे से बंद है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पिंड से होते हुए इस GT रोड को अवॉइड करके आप अम्बाला जा सकते हो। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है अम्बाला और अगर इसके दूसरे डायरेक्शन में आप देखोगे तो ये रोड कनेक्ट होता है लुधियाना और जलंधर से। तो सबसे पहले गूगल मैप्स की मदद से समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है। तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है पंजाब हरियाणा का बॉर्डर, जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं जिसकी वजह से इस रोड को यूज़ करके आप अम्बाला नहीं जा सकते। तो इसका सलूशन है ये सर्विस लेन। इस सर्विस लेन से होते हुए आपको आ जाना है इस अंडरपास पे जो शंभू बॉर्डर से बस थोड़ा ही पहले है और उसके बाद राइट साइड की सर्विस लेन को यूज़ करके आप पहुँचोगे इस पॉइंट पर, जहाँ से एक रास्ता इस पिंड के अंदर से होता हुआ संजारपुर तक जाता है, जिसके लिए आपको एक रेलवे अंडरपास भी क्रॉस करना पड़ता है। इस तरह से इस पिंड से होते हुए आप निकल जाते हो थोड़ा और आगे और फिर ये रास्ता यहाँ से आगे निजामपुर तक जाता है। तो निजामपुर से बाहर निकल के आप आ जाते हो NH 152D पर, इसको अम्बाला बाईपास भी कहते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा आपको वापस यू टर्न लेकर आना पड़ता है इस सामने वाली रोड पर। और उसके बाद घेल खुर्द विलेज को क्रॉस करते हुए आप फाइनली आ जाते हो GT रोड पर। तो ये है अम्बाला राजपुरा हाईवे, जहाँ पे हम खड़े थे वो था वो एरिया शंभू बॉर्डर से पहले पंजाब की तरफ, जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ऐसे पिंड से घूमते हुए फाइनली वापस आ गए हैं GT रोड पर। अब आपको लेके चलते हैं एक्चुअल स्पॉट पर और दिखाते हैं कि अम्बाला जाने के लिए जो रास्ता मैं यूज करने वाला हूँ उसकी कंडीशन कैसी है। इस समय मैं हूँ पंजाब के राजपुरा में और जा रहा हूँ अम्बाला की तरफ, और यहाँ पर आपको मालूम होगा कि किसानों का आंदोलन चल रहा है जिसकी वजह से ये रोड शंभू बॉर्डर जो है हरियाणा पंजाब का, वहाँ पर इसे ब्लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है, मतलब आप नहीं जा सकते हो, इस मेन रोड को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है, मतलब और भी ऑप्शन हो सकते हैं जो मुझे मालूम पड़े हैं, क्योंकि मैं लोकल नहीं हूँ इस हिसाब से। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप अम्बाला से, अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ से अम्बाला जा रहे हो तो यहाँ से आप जीरकपुर जाओ और जीरकपुर से फिर अम्बाला जाओ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक गांव में से रास्ता निकाला हुआ है उस रास्ते से होकर सीधा अम्बाला जा सकते हो। तो अब मैं उसी रास्ते से जाने वाला हूँ, उस गांव वाले रास्ते से, क्योंकि जीरकपुर वाला रास्ता बहुत लंबा पड़ रहा है। कैसा है रास्ता वो अभी आप देख लेना, वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी देख लेंगे कि कितने दूर तक इस रोड पे भी हमें चलने देंगे, क्योंकि अभी तो आपको दिख रहा है कि कोई रास्ता कहीं से बंद नहीं है। तो अभी देखते हैं कि कहां पर हमें रोकेंगे और कहां से हम फिर किसी गांव में से होके निकलेंगे और अम्बाला कैसे पहुंचेंगे, वो भी आपको मैं दिखाता हूं इस वीडियो में आज। वैसे जिस रोड पर मैं अभी चल रहा हूँ ना, ये जो अम्बाला हाईवे है, ये मेरी लाइफ में वो पहली सड़क यात्रा थी मेरी लाइफ की, जो मैंने हरिद्वार से जम्मू के लिए की थी। और तब मैंने लाइफ में पहली बार 4-लेन 6-लेन सड़क मैंने ज़िंदगी में तब पहली बार देखी थी। तो जब मैंने ये वाला रोड देखा था ना, बहुत साल हो गए हैं इस बात को, मतलब तो मुझे लगा था कि यार यहाँ पे इतना डेवलपमेंट कैसे है और हमारी साइड में क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा तो दिल्ली हरिद्वार का रूट होता था और वो सबसे ज़्यादा बजा हुआ था पूरा का पूरा रूट। सभी को मालूम है कि कितना टाइम लगा है उस हाईवे को बनने में, लेकिन तब ये एक रोड था जिसकी मैंने बड़ी तारीफ की थी। मैंने कहा, मतलब अपने ही मन में, उस समय तो मैं वीडियो बनाता नहीं था ना, ऑब्वियसली छोटा था, तो इस सड़क को देखकर मुझे मेरे मन से बड़ी तारीफ़ें निकली थी, भाई जितने भी सरकारों ने भी जो ये काम किया ये तो अच्छा ही किया है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद मैं उस एरिया में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ वो सब वहाँ सामने मैं देख पा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर शायद बैरिकेड भी लगा रखे थे ट्रैफिक के मूवमेंट को थोड़ा स्लो करने के लिए मे बी।
तो ये शुरू हो गया है यहाँ से वो एरिया जहाँ पर किसानों की ट्रोलियाँ, ट्रैक्टर ट्रोलियाँ वो सब वहाँ आगे खड़ी हुई हैं। और आप यहाँ से आगे इस रोड से तो नहीं जा पाओगे, सर्विस लेन में से जाना पड़ेगा आपको। चलो निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो किसानों की ट्रैक्टर ट्रोलियाँ खड़ी हुई हैं, और हालांकि अभी तो बैरिकेड थोड़े खुले खुले से थे तो हम ऊपर जा सकते थे इसमें, लेकिन क्या ही करना है जाकर। आगे बाकी पूरी रोड जो है वो बंद है। हम फिलहाल शायद ये सर्विस लेन कह सकते हैं इसको आप, जिसमें से हम निकल रहे हैं अभी। शंभू बॉर्डर जो कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, दिल्ली जाने के लिए किसान यहीं तक आए थे, उसी के कारण ये सड़क भी बंद की हुई है। तो मेन ट्रैफिक जो है वो मेन रोड से नहीं जा रहा है, सारा ट्रैफिक जो है वो कहीं कहीं डाइवर्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ से हम कौन से रूट से होकर अम्बाला पहुँचेंगे। बनूर, अम्बाला, पानीपत, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारी ट्रैक्टर ट्रोलियाँ हैं यहाँ तो। हमें मेरे ख्याल से ना इधर से जाना पड़ेगा शायद। चलो जहाँ तक खुला हुआ है वहाँ तक तो चल ही लेते हैं। ये ऊपर है फ्लाईओवर है और नीचे सर्विस लेन से निकल रहा हूँ मैं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से निकलेंगे। क्या लगता है? अरे गजब, यहाँ तो धरना चल रहा है, यहाँ क्या आ गए हम? उधर से जाना पड़ेगा, बंद है ना? बस आपको ये वीडियो ना रास्ता दिखाने के लिए है। पुलिस ने नक्का लाया होया है। हाँ जी, इधर ले पासे। तो अब मैं उधर से आ गया है उधर, और इधर से जाना है किधर अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। अंबाला जाने के लिए आगे से होगा? तो जी अब हम ओके इधर से अंबाला। पानी हो रहा है यहाँ तो, गाड़ी इधर से आई होंगी। अरे ओ भाई, सोखा नहीं पंजाब जाना। तो शंभू बॉर्डर जहाँ पर ये सारा का सारा मंच लगा हुआ है किसानों का ना, वहीं से आपको दूसरी साइड से एरिया में मेंशन कर दूंगा गूगल मैप में देखकर कि मैं कहाँ से मुड़ा हूँ। बाकी ये पिंड की रोड है, अगर तो ये पंजाब है तो पिंड समझ लेना, और अगर ये हरियाणा है तो गांव समझ लेना।
गजब। तो भाई ये स्थिति है, अगर आप किसी गांव से होके निकल के आना चाहते हो तो मेरे ख्याल से यही एक रास्ता है फिलहाल। और वो रास्ता जो है कुछ इस प्रकार का है कि कहीं कहीं पर बिल्कुल जगह नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा रुक जाता है। ये आ गए हम कहीं पर, ओहो अगर इस रोड पे आ रहे हो या तो गाड़ी से ही आना, या फिर मुंह पे पूरे कपड़े कपड़े बांध के आना, वरना मेकअप होगा बहुत बढ़िया वाला। मुझे जाना है उस पार। अब यहां से लेंगे हम एक छोटा सा यू टर्न। अम्बाला से हरिद्वार जाना है, इसीलिए मैं उस गांव वाले रोड से बाहर निकल के वापस फिर से इस गांव वाली रोड में जा रहा हूँ अम्बाला। वैसे जो पेनफुल रास्ता था ना, वो छोटा सा ही था, और क्योंकि ट्रैफिक है उसकी वजह से आपको वहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा ज़्यादा। और ये सामने आ गया है शायद जीटी रोड, यानी कि दिल्ली अम्बाला रोड। हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ से बस अब हम अम्बाला की तरफ चले जाएंगे, और उसके बाद हरिद्वार तक का तो रोड आपको पता ही है क्या ज़बरदस्त है, चंडीगढ़ अम्बाला। तो हमें जाना है किसी अंडरपास से होते हुए। यार वहाँ जहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसके बाद सीधा सारे गांव में से घूम घाम के तब हम इस वाले रोड पर आए हैं। ये वही दिल्ली अम्बाला वाली जीटी रोड है, और ऐसे ही आपको आना पड़ेगा। अब बस मैं यहाँ से अम्बाला होते हुए फिर यमुनानगर सहारनपुर बाईपास होते हुए पहुँच जाऊँगा हरिद्वार।